हेलो गाइस, दिस इज अजीब अग्रवाल और वेलकम टू माय शो कंपटीशन ग्रामर। आज मैं कंपटीशन ग्रामर के लिए आपके कुछ बेसिक रूल लेके आया हूँ, जिस रूल से आपके लिए कंपटीशन में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान रहेगा। इस रूल से बैंक पीओ, एसएससी और रेलवे, एमबीए, सभी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, इन सभी में ये रूल पूछा जाता है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इस रूल को और इस रूल को हम सब समझेंगे और इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे जो पेपर्स में आए हुए हैं। आज का रूल है हमारा अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अनरियल कंडीशन? अनरियल कंडीशन का मीनिंग है मीडिया, वह कंडीशन जो वास्तविकता में कभी ना हुई थी ना हुई है, दैट इज द मीनिंग ऑफ अनरियल कंडीशन। आज हमारे अनरियल कंडीशन के अंदर हमारा जो रूल है वो है हमारे पास, इफ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए इधर, बोलचाल की भाषा में यदि मैं बात करूं थोड़ा सा, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार के वर्ड्स होते हैं। यदि तू मेरे पास पहले आ गया होता तो मैंने तेरे को 100 रुपए दे दिए होते। यदि तू मेरे पास पहले आ गया होता तो मैंने तुझे 100 रुपए दे दिए होते। इसके मीन्स क्या हुआ, ना तू मेरे पास पहले आया और ना मैंने तुझे 100 रुपए दिए। यानी पास्ट की इमेजिनेशन घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक रूल का यूज करते हैं और इस रूल का नाम होता है आपका अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशंस में हमारे पास पास्ट की इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, पास्ट के अनरियल इमेजिनरी जिसे हम बोलते हैं, इमेजिन है केवल, जैसे यदि यार तूने मेरी मदद कर दी होती तो मैं वहां चला गया होता। इसका मीन्स क्या हो, ना तूने मेरी मदद की और ना मैं वहां गया। अब पास्ट के जो अनरियल कंडीशन है उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, इस वाले फ्रेज का यूज करते हैं। चले गाइस, लेट्स स्टार्ट। जैसे मेरे पास रूल आया, इनको एक्सप्रेस करने के लिए मैं दो रूल का यूज करता हूँ। पहला रूल है इफ सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वी थ्री, और हेड सब्जेक्ट प्लस वी थ्री सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, इन रूल्स को एक्सप्रेस करने के लिए, इन कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए मैं दोनों ही नियमों का यूज कर सकता हूँ। पहला नियम क्या है, इफ सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे यदि तुम यहां आए होते, ध्यान से देखेंगे, यदि तुम यहां आए होते तो मैं वहां चला गया होता। इसका मींस क्या हुआ, यदि तुम यहां आए होते तो मैं वहां चला गया होता, ना तुम यहां आए ना मैं वहां गया। ध्यान देने वाली बात है, यदि तुम यहां आए होते तो मैं वहां चला गया होता। इसको एक्सप्रेस कर सकते हम, इफ यू हैड कम हेयर आई वुड हैव गॉन देयर, इफ यू हैड कम हेयर आई वुड हैव गॉन देयर। और इसको एक्सप्रेस करने की एक और तरीका है, Had you come here, I would have gone there. यानी एक ही रूल को एक्सप्रेस करने के लिए हम दो तरीके को यूज कर सकते हैं। जैसे यदि तुमने मुझे 100 रुपए दिए होते तो मैंने ये प्लॉट खरीद लिया होता। तो अब इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, If you had given me 100 rupees, I would have purchased this plot. और Had you given me 100 rupees, I would have purchased this plot. तो सबसे पहली बात, इन दोनों रूल्स को, इन conditions को, unreal condition को express करने के लिए हम जो रूल यूज करते हैं, if subject plus had plus v3 और subject would have plus v3 या had subject plus v3 subject would have plus verb की third form। Example देखिए, had I have worked harder at school, I would have a better job. अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर दो क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे हेड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, हेड, और हेड के बाद सब्जेक्ट प्लस वी थ्री का यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो आपका जो आएगा वो यहाँ पर जो आपका इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका हैव नहीं आएगा, यहाँ पर आपका जो आएगा वो क्या आएगा, आपका हेड। अब क्यों आएगा, हेड सब्जेक्ट प्लस वी थ्री होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, हेड, आई हैड वर्कड हार्डर, I would have, अब यहाँ पे भी एक और एरर है, I would have, यहाँ पर हमको आना चाहिए been, I would have got, यहाँ पे जो कम से कम आएगा आपका got, G-O-T, got, yes, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, if we had looked at the map, we would not have be lost, देखिए यहाँ पर would not लगा हुआ है, would not के साथ verb की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पर हैव नहीं आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा आपका, यहाँ पर तो हैव आएगा लेकिन यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर बी नहीं आएगा, यहाँ पर बी के स्थान पर आएगा आपका बीन। इफ सारा हैड नो, अब देखिए सारा के साथ क्या लगा हुआ है, नो लगा हुआ है, तो नो नहीं आएगा यहाँ पर, नॉन आएगा, यस गाइस, शी वुड नेवर हैव टेकन द जॉब। समझ में आ रहा है आपको,
इफ यू वर स्टडीड हार्डर यू वुड हैव पास दिस एग्जाम। चलिए एक एक्सरसाइज को आप 5 क्वेश्चन आप फटाफट करके दिखाएंगे मुझे। यस गाइस, चलिए इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन के अंदर इफ यू वर स्टडीड हार्डर, यहाँ पर स्टडीड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है स्टडीड, और स्टडीड से पहले यहाँ पर क्या लगा हुआ है वुड हैव का यूज किया, इसलिए यहाँ पर वर्ब के स्थान पे जो आपका आएगा यहाँ पर हैड का यूज करेंगे, एच ए डी। आई वुड बाय अ न्यू कार इफ आई हैड वॉन। अब देखिए यहाँ पर इफ आई हैड वॉन थर्ड फॉर्म का यूज किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपका वुड बाय नहीं आएगा, यहाँ पर वुड बाय के स्थान पर आपका आएगा वुड हैव बॉट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ही हैड बीन लेट अगेन आई वुड फायर्ड हिम। यहाँ पे इफ ही हैड बीन लेट अगेन दिया हुआ है, इसलिए वुड हैव फायर्ड के स्थान पर हम यूज करेंगे वुड हैव फायर्ड, हैव यहां पर हम यूज करेंगे हैव का। If I would own a car, I would drive to work, but I don't own a car. Yes, guys. यहाँ पर सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है if I would owned, owned नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा if I had owned. Question number 5, my dear. She would travel around the world had she had more money. अब देखिए यहाँ पर had she had more money है, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता, यहाँ पर would travel के स्थान पर हम लोग यूज करेंगे would have traveled. Yes guys, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं। Mary would have moved to Japan if she spoke Japanese. यहाँ पे दो एरर्स आ रही हैं इस वाले पार्ट में। पहली एरर्स क्या है? She would have लगा हुआ है यहाँ पे, तो वो फिर लगा हुआ है, तो यहाँ पे D लगाएंगे हम लोग moved, और थर्ड यहाँ पर she spoke से पहले यहाँ पर आएगा आपका had spoken. If they work harder, they would have earned more money. अब यहाँ पे work harder लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आएगा they worked hard. If this thing had happening नहीं आएगा, यहाँ पर happening के स्थान पे आपका आएगा happened, ED लगेंगे. Thank you for watching my dear. अभी आपको एक रूल समझ में नहीं है, समझ में आया होगा, और प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. यस, धन्यवाद.